मंडलायुक्त अनिल ढिगरा की अध्यक्षता में गोरखपुर महोत्सव 2024 की बैठक आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता के आधार पर मौका दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि जितना हो सके स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जाए, जिससे उनके प्रतिभा का प्रदर्शन हो सके। उन्होंने कहा, उद्घाटन व समापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। इसमें जो शासन से फंड आना है उसकी रिपोर्ट बनकर दिया जाए और कौन से कलाकार आ रहे हैं सबकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर दिया जाए, जिससे शासन को अवगत करवाया जा सके, जिससे कि गोरखपुर महोत्सव को भव्य बनाया जा सके। वहीं अधिकारियों ने कहा कि जनपद स्तर पर 50 लाख का फंड इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि महोत्सव का बहुत कार्य हो सकता है। इसके अलावा वन टांगिया गांव के बच्चों द्वारा फैशन शो किया जाएगा, जो कि पिछले साल भी हुआ और G20 में भी हुआ, जिसको सभी लोगों ने काफी पसंद किया था। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SP सिटी कृष्ण बिश्नोई, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और हॉट एयर बैलूनिंग कराएंगे सर, वहाँ पे सर अपने लोकल में सर हम तो है टच में सर, तब जो मैं तीन कराए थे ना आर्टिस्ट, वहाँ उड़ता है एक वहाँ मंदिर पे और एक वहाँ। इसके अलावा और जो ये लोकल आर्टिशियन थे हमारे संगीत नृत्य वादन का, वो बता रहे हैं कि कम ये भी जैसे जो महाराज जी का जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि लोकल जो हमारे आर्टिशियन है उनको बढ़ावा, उसके जो खर्चे आते हैं मौसम संगीत वादन का। और एक ये जैसे कहा था कि बैडमिंटन का और कभी जो भी एक जैसे पूरा पूरा अपने के लिए ऐड किया गया सर, लिस्ट ऐड कर दी, लिस्ट बना दी, अप्रूवल जाता है।